मूवी की स्टार्टिंग 1985 पेरिस में एक पार्टी से होती है जिसमें दो दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि हमेशा साथ में रहते थे, कहीं भी जाते थे साथ में ही जाते थे, जिनके नाम होते हैं पेले और हेनरी। पेले और हेनरी दोनों पेरिस के फेमस कवि थे। दोनों दोस्तों में से पेले जो कि काफ़ी लुकिंग वाइज स्मार्ट हैंडसम बंदा है और वो एक प्ले बॉय जैसा भी था, और वहीं दूसरी तरफ हेनरी जो कि पेले का बिल्कुल अपोजिट शांत सज्जन जेंटलमैन टाइप का है। और उस पार्टी में दोनों हेनरी और पेले की मुलाकात एक लड़की से होती है। उस लड़की का नाम होता है मैरी। मैरी हेनरी और पेले के टीचर फेगो क्यूबन, फेमस कवि जोस मारिया डी हेरेडिया की बेटी थी, और दोनों को ही मैरी बहुत पसंद थी। इवन दोनों उसकी खूबसूरती के दीवाने और उसके प्यार में पीछे पीछे उसके पागल थे। हालांकि मैरी सिर्फ पेले से प्यार करती थी क्योंकि वो उसे ही पसंद करती थी। वहाँ पार्टी में वो दोनों चुपके से कॉर्नर में एक दूसरे को किस भी करते हैं, लेकिन वहाँ पर मैरी की माँ आ जाती है और उन्हें देख लेती है। लेकिन मैरी को अपने पेरेंट्स की वजह से हेनरी से शादी करनी पड़ती है अपनी मर्जी के अगेंस्ट जाकर के, क्योंकि हेनरी से शादी करने पर मैरी के फादर के कई कर्ज माफ़ हो रहे थे। इवन उनकी सोशल पोजीशन भी अच्छी हो रही थी, और अब हेनरी और मैरी की शादी हो चुकी होती है। समय गुजरता है, सब कुछ ऐसे ही चलता है। तब एक दिन पेले हेनरी से मिलने उसके पास आता है और उसे कहता है, तुम सब कुछ जानते थे, मैरी से मैं प्यार करता था और वो भी मुझसे प्यार करती थी, फिर भी तुमने ये सब क्यों किया, तुमने मुझे धोखा दिया। जिस पर हेनरी कहता है, मुझे भी मैरी से प्यार था, मैं भी तुम्हारी तरह उसके पीछे पागल था, उसका दीवाना था, सो कर ले शादी। और कहता है, अगर तुम उससे सच्चा प्यार करते तो तुमको कोशिश करनी थी, अगर तुम कोशिश करते तो वो तुमको जरूर मिलती, तो उससे शादी कर सकते थे। जिस पर पेले कहता है, अपने प्यार को अलग ही एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि प्यार को खुले आसमान जैसा होना चाहिए और शादी तो एक बंधन है जो मैं नहीं चाहता था। दरअसल पेले एक प्ले बॉय था जिसे तरह तरह की लड़कियों का साथ पसंद था। उसका एक लड़की से मन नहीं भरता था। और अब हेनरी और मैरी को दिखाया जाता है जहाँ हेनरी मैरी को बताता है कि वो आज पेले से मिला। मैरी उसकी बातें सुनकर के खुश हो जाती है। हेनरी मैरी को बहुत प्यार करता था जिसकी वजह से वो उसकी हर कमी को अनदेखा कर देता था, और मैरी हेनरी के पास तभी आती थी जब उसे पैसों की बहुत जरूरत होती थी। और मैरी आज भी पेले से उतना ही प्यार करती थी जितना वो पहले करती थी, इसीलिए वो हेनरी को इग्नोर करती थी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है पेले को जो कि एक न्यूड प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन चुका है, और उसे फोटोशूट करते हुए दिखाया जाता है, और वो हर रोज नई अलग अलग लड़कियों से मिलता है, उनके न्यूड फोटोशूट करता है, और हर रोज एक नई लड़की के साथ में वो इंटीमेट भी होता था। पेले जितनी भी लड़कियों के फोटो शूट करता था उनमें से वो हर लड़की की एक फोटो अपने पास रखता था और उन्हें वो अपनी पर्सनल डायरी में लगाता था। तभी वहाँ पर मैरी पेले से मिलने उसके पास पहुँचती है, और उसके घर में लड़कियों को देख मैरी को अच्छा नहीं लगता। वो जेलिस फील करती है और कहती है कि वो उसे आज भी उतना ही प्यार करती है जितना वो पहले करती थी, और दोनों एक दूसरे को किस करती हैं और इंटीमेट भी हो जाते हैं। नेक्स्ट डे मैरी न्यूज़पेपर पढ़ती है तो पेले उसे कहता है कि उसे कब से इंटरेस्ट आने लगा न्यूज़पेपर में। हालांकि मैरी सिर्फ हेनरी का एड्रेस देख रही थी क्योंकि उसी ने कहा था कि वो न्यूज़पेपर के जरिए उसे मिलने के लिए एड्रेस देगा, और अब मैरी हेनरी के जाते ही उस एड्रेस पर पेले से मिलने पहुंच जाती है, और हेनरी उसके कुछ फोटोज़ लेता है, और अब पेले उसकी हर एंगल से हर तरह की उसकी न्यूड फोटोज़ क्लिक कर रहा है। हेनरी बहुत अच्छे से जानता था कि पेले आ चुका है, पर हेनरी मैरी पर ट्रस्ट करता था। एक दिन पेले हेनरी के घर आता है। मैरी घर आने में लेट हो जाती है। हेनरी उसे पूछता है, तुम आने में लेट हो गई, तो मैरी कहती है, हाँ अपने आशिक के साथ बिजी थी इसीलिए। हेनरी को बार बार वो इग्नोर करती है, उसकी इंसल्ट भी करती है। वो हेनरी के सामने पेले से ऐसे बात करती है जैसे मानो वो उसका पुराना आशिक हो, बॉयफ्रेंड हो, और हेनरी को वो जानती ही नहीं, और मौका देखते ही दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। एक दिन मैरी पेले के स्टूडियो जाती है जहाँ पर दोनों इंटीमेट भी होते हैं। अब मैरी हर रोज पेले से मिलने आने लगी थी। एक दिन वो उसकी वो एल्बम देख लेती है जिसमें वो लड़कियों की न्यूड फोटोज कलेक्ट कर रहा था, जिसमें मैरी की भी फोटो थी, और अब मैरी को समझ आ जाता है कि उसकी फोटोज उसने अपने लिए नहीं खींची थी, और वो उसकी फोटोज प्राइवेट फोटो भी नहीं रही थी, वो उन फोटोज को सभी को दिखाता था। पेले न्यूड फोटो खींचने के लिए किसी को भी रेडी कर लेता था। अगर उसे न्यूड फोटो खींचनी है तो फिर चाहे वो स्ट्रीट में खड़ी फूल बेचने वाली लड़की ही क्यों ना हो।
एक दिन हेनरी और मैरी पीरे के पास पार्टी में जाती है। वहां पर मैरी नोटिस करती है कि हर कोई उसी को देख रहा है, हर कोई उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। इवन एक बंदा तो आकर के बोलता है कि कपड़ों में ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, तो मैरी को अच्छा नहीं लगता। उसे अनकंफर्टेबल फील होता है और हेनरी से घर चलने का बोलती है, पर हेनरी उसे समझाता है कि हम कुछ देर में चलेंगे। और मौका मिलते ही वो दोनों चुपके से वहाँ से चले जाते हैं। और इस हरकत से हेनरी को मैरी पर डाउट होने लगता है। और अब जब वो घर पहुँचते तो हेनरी मैरी की ड्रॉवर में देखता है कि मैरी की न्यूड फोटोज रखी हुई थी, जिसमें फ़ोटो के पीछे उसके इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में भी लिखा हुआ था। ये सब देखने के बाद हेनरी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है और अब वो मैरी को ये सब समझाना चाहता है कि पेरे सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, वो न जाने कितनी लड़कियों के साथ में ये सब करता रहता है। तुम उसके लिए कोई स्पेशल नहीं हो, तुम भी उन लड़कियों की तरह से उसके लिए कॉमन हो। और उसे कहता है, तुम चाहती क्या हो कि सब तुमको वैश्या समझे? और मैरी को न्यूड देख उसके साथ में जबरदस्ती करने लगता है। मैरी उसे धक्का देते हुए कहती है, आई हेट यू, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। हेनरी ये सब सुनकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन मैरी सब कुछ जानकर भी पेरे से मिलने पहुँच जाती है। वहाँ पर वो पेरे को और लड़कियों के साथ देखती है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ देख करके अनजान बनकर पेरे के साथ अपना रिलेशन कंटिन्यू रखती है। पेरे सब कुछ जान करके अनजान बनता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने काम फोटोग्राफी पर ही फोकस देता है। एक दिन मैरी को रोता देख पेरे उसे पूछता है कि वो इतनी परेशान दुखी क्यों है, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि वो अच्छे से समझ चुकी थी कि पेरे उसकी नहीं सुनेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पेरे कहीं ना कहीं मैरी को समझ गया था, पर पेरे चाहकर भी वो सब मीन्स अलग अलग लड़कियों के साथ सोना नहीं छोड़ सकता था, वो उसकी लाइफ बन चुका था। एक दिन पेरे हेनरी से मिलता है और बताता है कि उसने जोधा को घर से निकाल दिया है, पर मैं उसे याद करता हूँ, वो मेरे दिलो दिमाग पर है, वो मेरे दिमाग से नहीं जाती। जिस पर हेनरी कहता है, ये प्यार है जो तुम कभी नहीं समझ सकते। जिस पर पेरे बोलता है, ये प्यार नहीं सिर्फ जुनून है जो हम सबको बर्बाद कर देता है। हेनरी भी उसकी बातों से एग्री होता है और अब हेनरी उसे अल्जीरिया जाने की सलाह देता है। और हम देखते हैं कि एक दिन पेरे सब कुछ छोड़ छाड़ करके मैरी को भी बिना बताए वहाँ से अल्जीरिया चला जाता है। और मैरी के लिए वो एक लेटर भी छोड़ करके गया था, जिसमें सिर्फ उसने अपने जाने की वजह लिखी होती है और उसने खुद को चिट्ठी लिखने के बारे में भी लिखा था। मैरी बहुत अपसेट हो जाती है और बहुत रोती है। और अब मैरी की हालत को देख मैरी मदर पेरे को समझाती है कि उसे एक पति की जरूरत है। मैरी को अब पता चलता है कि वो पेरे के बच्चे की माँ बनने वाली है, तो वो हेनरी से डाइवोर्स लेने का बोलती है, लेकिन हेनरी मना कर देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हेनरी आज भी मैरी से उतना ही प्यार करता है। और मैरी को खुश रखने के लिए वो एक आदमी को भी उसका साथ देने के लिए हायर भी करता है। मैरी उस आदमी के साथ में खुश रहती थी, पर हेनरी को हमेशा वो हेनरी के साथ में अलग अलग सा बिहेव करती थी। तो ये सब देख करके हेनरी अब धीरे धीरे समझ चुका है कि मैरी उसकी कभी भी नहीं हो सकती। और अब वो मैरी की खुशी के लिए पेरे से मिलने अल्जीरिया उसके पास जाता है। और वही मैरी अभी भी पेरे के लिए लेटर लिखती रहती है, पेरे को उसे बराबर हर लेटर का रिप्लाई देती है। और हेनरी पेरे को सब बता देता है कि वो बाप बनने वाला है, मैरी उसकी बच्चे की माँ। और कुछ दिनों बाद जब मैरी एक बच्चे को जन्म देती है, तो हेनरी मैरी को बच्चे के साथ लेकर के पेरे के पास जाता है, जहाँ पर वो दोनों उन दोनों को बात करने के लिए अकेला भी छोड़ देता है। मैरी पेरे से कहती है कि वो आज भी उसे पहले जितना ही प्यार करती है, जितना वो पहले करती थी। उसका प्यार सिर्फ उसी के लिए है, वो हेनरी से प्यार नहीं करती और ना ही वो कर सकती है। और मैरी की बात सुनकर पेरे भी कन्फेस करता है कि वो भी उसे उतना ही प्यार करता है। और अब वो दोनों साथ में रहने का डिसाइड भी कर लेते हैं। मैरी को खुश देख कर हेनरी भी खुश हो जाता है। और अब जब हेनरी और पेरे दोनों साथ में अकेले होते हैं, तो हेनरी पेरे से पूछता है कि क्या वो इतना बुरा इंसान है जिसे मैंने इतना प्यार दिया? मेरी खुद की वाइफ, उसने मेरे साथ में चीट किया। उसकी बातें सुनकर पेरे को अच्छा नहीं लगता और वो उसे चिल करता है। अब हेनरी ही पेरे और मैरी के लिए एक होटल में रूम अरेंज करता है, और जहाँ पर वो दूसरा रूम अपने खुद के लिए अरेंज करता है, मीन्स दूसरे रूम जो कि पास में ही था, वहाँ पर वो खुद ठहरता है। मैरी पेरे के रूम में जाती है, जहाँ दोनों बातें करते हुए एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं और इंटीमेट होते हैं। उनके उस दौरान की आवाज़ें हेनरी दूसरे रूम से सुन रहा था, और उस समय वो बहुत ज़्यादा दुखी भी हो रहा था।
नेक्स्ट डे हेनरी मैरी साथ होते हैं, तभी मैरी की मदर वहाँ आती है और मैरी से कहती है, हेनरी बहुत अच्छा इंसान है, आज हम जो भी हैं उसी की वजह से है, वरना आज हम सड़क पर आ चुके होते। और मैरी को देख पूछती है कि वो इतनी परेशान क्यों लग रही है। मैरी की मदर उसकी बहन की शादी की बात करने आई थी, पर वो उसे उदास देखकर पूछती है कि क्या वो खुश है। वही मैरी की सिस्टर पेरे के पास जाती है और उसकी सेक्रेटरी बनने का पूछती है और पेरे उसे किस करता है और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। ये बात मैरी को भी पता चल जाती है कि पेरे उसकी सिस्टर के साथ में फिजिकली हो रहा है और वो उससे शादी करने के लिए भी रेडी है। पर मैरी इस सबसे खुश थी क्योंकि वो पेरे से आसानी से मिल सकेगी, उनका रिलेशन कंटिन्यू रहेगा और वो उसे शादी करने का बोलती है। पेरे रेडी हो जाता है और अब मैरी भी हेनरी के साथ अच्छे से पेश आने लगी थी। और अब मैरी की सिस्टर और पेरे की शादी हो जाती है और अब पेरे उन दोनों बहनों के एक साथ में न्यूड फोटोज निकालता था और ज़्यादा काम करने की वजह से अब पेरे की हालत खराब होने लगी थी। उसे धीरे धीरे कम दिखाई देने लगा, पर वो अभी भी उन फोटोज को नहीं भूला था। वो अभी भी अपने सही होने का वेट करता है। और अब मैरी एक राइटर बन चुकी है और उसने खुद की लाइफ पर एक बुक भी लिखी है। और ये सब हेनरी की गाइडेंस में मैरी की बुक बहुत ज़्यादा सेल होती है, जो कि एक लव स्टोरी थी जिसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मूवी के लास्ट में मैरी के साथ में एक शख्स दिखाया जाता है और वो उसे नाइट डिनर के लिए ऑफर करता है। मैरी उसे कहती है, आज नहीं किसी और दिन, और इसी जगह मूवी खत्म हो जाती है।